एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में, और वो चैप्टर हम लोगों ने पूरा कर लिया। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को आज शुरू करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में सबसे पहले दो टर्म्स आती हैं हमारे दिमाग में, पहली मोशन और दूसरी रेस्ट। इन दो चीज़ों को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। मोशन और रेस्ट होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है उसको कहते हैं रेस्ट। जैसे कि यहाँ पे कोई बॉल पड़ी है ना, उसकी पोजीशन है ये, यहाँ पे बॉल पड़ी है। हमने पहले सेकंड पे देखा तो बॉल यहाँ पड़ी है, दूसरे सेकंड पे देखा तो भी बॉल यहाँ पड़ी है, तीसरे सेकंड पे देखा तो भी बॉल यहाँ पड़ी है। तो इसका मतलब क्या है, बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, बॉल वहीं की वही है ना। और अगर हम बात करें मोशन में, तो मोशन में जैसे हम बात करते हैं कि एक कार की, हमने देखा एक सेकंड बाद कार की पोजीशन ये हो गई, फिर एक और सेकंड बाद देखा तो कार की पोजीशन ये हो गई। तो पहले सेकंड पे कार इस जगह से यहाँ हो गई तो पोजीशन चेंज हो गई, दूसरे सेकंड में कार यहाँ पहुँच गई तो फिर से पोजीशन चेंज हो गई। तो इसको कहते हैं मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो ये था मोशन और रेस्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में मोशन के बारे में। तो हम क्या कहते हैं जब हम मोशन को स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो डील करे किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी के बारे में जब वो कोई मोशन कर रहा हो, पर इसमें हम जो मोशन का कॉज है उसे नहीं देखते, सिर्फ मोशन के बारे में देखते हैं कि मोशन किस ऑब्जेक्ट का किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसकी क्या स्पीड है, क्या है उसके पास वेलोसिटी, ये सब देखते हैं हम इसमें, है ना। इसमें हम कॉजेज नहीं देखते कि किस वजह से हो रहा है। तो लिख लेते हैं एक बार, काइनेमेटिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, इन मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, उसके कॉज को जाने बिना कि किस वजह से मोशन हो रहा है, ये होता है। अच्छा, जब मोशन हो रहा होता है, सपोज कोई एक ट्रेन है, ये ट्रेन है कोई, है ना, कोई ट्रेन है, इसमें कोई ए पर्सन बैठा है, उसके सामने बी बैठा है और एक बार सी यहाँ पे खड़ा है कोई पर्सन, ये कोई सी है, सी ए ये है, बी ए बैठे हैं ट्रेन में, है ना। तो अब जब हमने सी से पूछा कि क्या इस ट्रेन का मोशन हो रहा है, ए मोशन में है, तो जब सी देखेगा तो क्या देखेगा, कि ट्रेन आगे बढ़ रही है और ए भी ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहा है, तो सी बोलेगा हाँ भाई ए तो मोशन में है। पर अगर हम बात करते हैं भाई ए से, बी से, हम बी से पूछते हैं कि क्या ए मोशन में है, तो बी कहेगा नहीं, वो तो अपनी पोजीशन पे ही बैठा हुआ है। तो हमने दो अलग अलग आंसर देखे, एक कह रहा है रेस्ट पे है, दूसरा कह रहा है कि मोशन में है। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको जिस फ्रेम से भी हम देखेंगे ना उसके हिसाब से मोशन अलग हो रहा होगा। अगर हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो हम क्या देखेंगे, ए की पोजीशन चेंज हो रही है, ए मोशन में, वही बी के पोजीशन में देखेंगे, बी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर देखेंगे तो उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। तो इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस भी पॉइंट, जिस पॉइंट को भी हम एक रेफरेंस मान के मोशन कंसिडर करते हैं कि वो रेस्ट है या मोशन है,
उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मोशन तीन तरह के होते हैं, 1D, 2D और 3D। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, 1D एक एक्सिस में ही होगा, एक्स एक्सिस, 2D दो एक्सिस में हो रहा होगा, और 3D एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में हो रहा होगा। तो देखते हैं कैसा है। 1D का सबसे बढ़िया जो आपका एग्जाम्पल है ना, वो है रेक्टिलिनियर मोशन। जब मोशन हो रहा हो किसी एक ही डायरेक्शन में, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, इसमें स्ट्रेट लाइन में। अब इसमें आप स्ट्रेट लाइन में कहेंगे कि चलो भाई कार भी है, तो कार नहीं हो सकती मोशन में स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक ही एक्सेस हो रहा होता है, कैसा, एक ही एक्सेस हो रहा होता है। पर देखें हम, तो अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तो सीधा नीचे आके गिरेगी ना, एक ही एक्सिस में मूव कर रही है वो, क्या एक ही एक्सिस में वो मूव कर रही है, तो वो हमारी कहलाएगी मोशन इन 1D, क्योंकि वो एक ही एक्सिस में चल रही है हमारी, है ना, एक ही ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, है ना। और अगर हम बात करें मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग अ सिंगल ट्रैक या स्ट्रेट ट्रैक, अगर स्ट्रेट में जा रहा है तो वो भी कहलाएगा क्या, वो भी कहलाएगा 1D मोशन। तो इस टाइप के मोशन को जब एक ही एक्सिस में हो रहा हो तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं इस टाइप के मोशन को। अब बात करते हैं 2D मोशन की। तो ऐसा मोशन जिसमें इफ ओनली टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट, तीन में से सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों, उसको कहते हैं हम रेक्टिलिनियर वो 2D मोशन। जैसे मोशन ऑफ प्लांट अराउंड द सन, किसी प्लानट का मोशन सन के अराउंड, या फिर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन देखें, या फिर सर्कुलर मोशन देखें, तो इन सब मोशनों को हम कहेंगे मोशन इन 2D प्लेन। या फिर कार जो कि जिगजैग पाथ में है, सीधे पाथ में नहीं चल रही है, वो इधर उधर भाग रही है ऐसे 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 ऐसे, तो वो भी कहलाएगा 2D मोशन। कैसे, सपोज हम मान लेते हैं कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऊपर जाता है ना, तो ये एक्स में भी चेंज हो रहा है, एक्स भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी चेंज हो रहा है और वाई के अलॉन्ग भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसी को कहते हैं 2D मोशन। अब 3D मोशन की बात करें तो मोशन ऑफ एरोप्लेन या फिर मोशन ऑफ काइट, काइट कैसे ऐसे करके उड़ रही होती है ना, तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, इसके अलॉन्ग भी बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह से 3D मोशन होता है काइट का। 2D मोशन होता है मोशन ऑफ प्लानेट, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन का मोशन। तो इस तरह से कुछ टाइप्स ऑफ मोशन थे हमारे। अब हम आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन, मोशन में कुछ मेन टर्म्स होते हैं, डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये पांच टर्म हमारे आते हैं दिमाग में जब हम मोशन की बात करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। ये कोई एक बच्चा है, इसको जाना है स्कूल, ये इसका स्कूल है ना, तो अब ये ऐसे करके जाता है घूम घूम, तो ये कैसे गया, घूम घूम कर गया, है ना। तो जो एक्चुअल पाथ कवर करा उसने स्कूल जाने के लिए, जितना उसने एक्चुअल पाथ कवर किया, ऐसे गया 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 ऐसे गया, तो गलियों से घूमता हुआ चलता गया, तो ये उसका एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है। यहाँ 2 मीटर, यहाँ फिर 4 मीटर, यहाँ 3 मीटर, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, जितना भी मीटर था वो एक डिस्टेंस। तो इन सब सम डिस्टेंसेस का सम कहलाएगा एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया, जिसको हम डिस्टेंस बोलेंगे।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, जो स्कूल जाने का सबसे छोटा रास्ता था, वो क्या था, वही सीधा स्ट्रेट लाइन थी, है ना। तो अब जरूरी थोड़ी है स्ट्रेट लाइन हो स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल रास्ते होंगे कुछ, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। और हो सकता है उसके सीधा सीधा रोड भी हो स्कूल जाने का, तो वो सीधा जा सकता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। तो जो एक्चुअल पाथ कवर होता है किसी चीज़ का, वो कहलाता है डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, वो जो है वो पॉजिटिव भी रहता है और कभी कभी नेगेटिव नहीं रहता है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कभी कभी पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है और जीरो भी हो जाता है। कैसे? तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है, अब उसको जाना था इधर इस तरफ, तो वो कैसे जाता, वो था यहाँ पे, ये उसकी पोजीशन है ओ, है ना। तो यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, तो ये इस तरह से गया इस तरफ। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 का सफर। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14 और 14 प्लस 6, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। अगर वही डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो ये ओ था, है ना, इधर जाता तो पॉजिटिव होता, इधर गया वो, है ना, इधर गया तो उसने इधर ट्रैवल किया, तो अब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब डिस्टेंस जो है ना, कहीं भी जाएगा ना तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है अगर वो इसी जगह पे रहेगा, है ना। अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर गई, इधर गई फिर वापस इधर हो गई, तो ये पूरा डिस्टेंस कवर होगा उसका। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। और सपोज कोई इधर गया पहले फिर इधर गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे इसमें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सीधा इधर जाना था ना उसको इनिशियल से फाइनल, तो ये माइनस का हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। वही डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस होती है एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब उस पर खाली मैग्नीट्यूड है, कोई फिक्स डायरेक्शन तो नहीं है ना कि अब आपको इधर ही जाना है या इधर ही जाना है या इधर ही जाना है। डिस्टेंस कोई भी पाथ हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे छोटा रास्ता, जैसे यहाँ जाने का सबसे छोटा रास्ता है कौन सा, ये और फिर ये। तो हम कहेंगे पहले इसको इतना स्ट्रेट चलना पड़ेगा, फिर इसको इस तरफ मुड़ना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा, फिर जाके ये यहाँ पे पहुँचेगा। तो इसमें डायरेक्शन फिक्स है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और स्केलर कौन सी होती है? जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, उनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसके बारे में हमने कुछ डिफरेंस अभी अभी डिस्कस किए हैं। तो अब जानेंगे मोशन में हमारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सपोज ये हमने कंसिडर किया एक ग्राफ, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और ये किसी चीज की स्पीड है। सपोज एक कार क्या कर रही है, पहले सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। कितना? 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, और दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर कवर कर दी है, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर कवर कर दी है, चौथे सेकंड में भी 2 मीटर कवर कर दी है। तो 1 2 3 4, कितना कितना? 2 2 प्लस होता जाएगा 2, फिर यहाँ पे 4 6 8, इस तरह से। पहले सेकंड में उसने कितना कवर किया? 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, है ना।
फिर दूसरे सेकंड में उसने दो और कवर किया, तीसरे सेकंड में दो और कवर किया, चौथे में दो और कवर किया, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी हर एक सेकेंड में ना वो 2 ही मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और ये हमेशा कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है इसका ग्राफ, कैसे स्ट्रेट लाइन में होता है। भाई नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो जो इक्वल टाइम इंटरवल में ना अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जैसे 1 सेकेंड में कभी वो कर रहा है 2 मीटर, कभी वो कर रहा है 4 मीटर, कभी वो कर रहा है 6 मीटर, इस तरह से अनयूजुअल है ना, एक फिक्स नहीं है, तो उसका ग्राफ कुछ अलग सा बनेगा। जैसे 2 4 6 8 1 2 3, सपोज वो पहले सेकंड में 1 ही मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर दूसरे में जिसमें 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर देता है तो 4 हो जाएगा, फिर इस तरह से यहाँ पे यूं करता है, फिर कभी यहाँ पे इतना करता है, तो इस तरह से ऐसे करके कुछ कर्व लाइन में ग्राफ बन रहा है। तो जो हमेशा ना जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना उसका ग्राफ कर्व लाइन में बनता है, यूनिफॉर्म का किस में बनता है, यूनिफॉर्म का स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म का कर्व लाइन। तो यूनिफॉर्म होता क्या है, व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। भाई जो नॉन यूनिफॉर्म होता है उसमें कभी 2 मीटर कवर हो रहा है, कभी 4, कभी 3, इस तरह से डिफर कर रहा है। अब बात करते हैं स्पीड की, स्पीड स्पीड क्या होती है, तो जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है ना 1 सेकेंड में, उसको कहते हैं उसकी स्पीड। और स्पीड को हमने पहले भी पढ़ा है, स्पीड को हम कैसे दिखाते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, जहाँ एस स्पीड के लिए होता है, डी डिस्टेंस के लिए होता है और टी टाइम के लिए होता है ना। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो हम जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ के आ चुके हैं, तब एसआई यूनिट निकालना हमारे लिए एक खेल की तरह है। तो डी डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड है ना, तो मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी एसआई यूनिट। अच्छा अब जो स्पीड होता है ना वो डिस्टेंस के लिए होता है, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, कैसी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या होगी, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। असली में स्पीड का ना कोई वो है ही नहीं, अस्तित्व है ही नहीं, बस स्पीड हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें कुछ पता चल पाए कि हम 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। और वो जो स्पीड हम एक डिस्टेंस के लिए निकालते हैं ना उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। हम क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस सपोज हमने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में, तो हम सीधा डिवाइड करते हैं 2 मीटर पर सेकंड। अब जरूरी थोड़ी है, कभी एक्सेप्शनल केस में हो सकता है कि कहीं आपने 3 मीटर कवर कर लिया और कहीं 1 कराओ, कहीं कोई कितने और कवर किए, कहीं कितने किए, तो ये एक एवरेज निकलती है कि हाँ भाई इतने कवर किए होंगे, पर जरूरी नहीं है इतने ही कवर किए। तो एवरेज स्पीड बस एक रेशो बता देती है कि आपने कितना कवर किया होगा, हो सकता है आपने डिफरेंट भी कवर किया। तो अब डिस्कस करते हैं वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी सेम फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू एस बाई टी, यहाँ पे बस एस क्या हो जाती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पे वी वेलोसिटी और नीचे टाइम ही रहता है। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी है ना। तो अब जैसे कि हमें इसकी भी ऐसा यूनिट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट की मीटर और नीचे सेकेंड, यहाँ आ गया मीटर पर सेकेंड आ गया, तो इस तरह से आप लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करे थे, और अब हम आगे की वीडियोस में एवरेज स्पीड और टोटल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। धन्यवाद।
तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हैव अ नाइस डे।